गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास UKG, सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट ए टू जी। कर्सिव राइटिंग है ये आपकी, ए टू जी। ए के लिए देखिए बीच की लाइन में डॉट लगे हुए हैं, बी के लिए ऊपर की 3 लाइन्स में, सी के लिए फिर से बीच की लाइन में डॉट है, डी और ई के लिए भी बीच की लाइन में डॉट है। ये डॉट आपको अपनी मम्मा से लगवाने हैं। और यहाँ नीचे लाइन में देखिए, मैंने 2 टाइम्स यहाँ एफ लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही आपकी आपको अपनी मम्मा से लिखवाना है, 2 टाइम्स एफ और 2 टाइम्स ही जी। नीचे की 3 लाइन्स में जी है और ऊपर की 4 लाइन्स में एफ है। यहाँ देखिए आप ए पर पेंसिल रखने के लिए यहाँ 3 लाइन में रखेंगे पेंसिल, रखी 3 लाइन में पेंसिल रखकर इसको 2 लाइन में ऐसे घुमा देंगे, फिर इसी लाइन से ऐसे बीच की लाइन में गोल बनाकर ये देखिए इसी लाइन से ही पूछ लानी है, 3 लाइन तक टच करके, ओके, ना तो इससे नीचे जाना है और ना ही ऊपर जाना है। फिर देखिए बी के लिए 3 लाइन पर रखा पेंसिल को, ऊपर रेड लाइन पर लाए टेढ़ा, घुमा के सीधा बस 3 लाइन तक रुक जाना है और इसी लाइन से इसको 2 लाइन तक हाफ कर्व बना के घुमा के ऐसे 2 लाइन तक पूछ निकालनी है। फिर देखिए सी के लिए जैसे हमने ये बनाया था, 3 के लिए इसके लिए 3 लाइन पर डॉट लगा हुआ है और आपको यहीं पेंसिल रखकर इसको 2 लाइन तक लाना है, फिर इसी लाइन से टच करके हाफ कर्व बनाएंगे ऐसे सी। डी के लिए भी सेम ऐसे जैसे हमने सी में किया है, 3 लाइन पर पेंसिल रखकर 2 लाइन में ले आए डॉट पर, इसी लाइन से इसको घुमाना है। अब हाफ कर्व नहीं बनाना, फुल लेना है इसको इस तरह से और ऊपर रेड लाइन तक सीधा ले जाइए, फिर इसी लाइन से इसकी डी से पूछ, 3 लाइन तक पूछ डी। अब देखिए ई के लिए ये आपके डॉट लगे हुए हैं, 3 लाइन पर रखिए पेंसिल को, 2 लाइन तक टेढ़ा और इसको जो ये 2 लाइन है ना यहीं से घुमा देना है ई के लिए, छोटी सी जैसे ये हम गोली सी बनाते हैं ना ई, इस तरह से गोली बना के इसको नीचे से घुमा देंगे, ई बन गया आपका। अब देखिए नीचे ये एफ के डॉट बने हुए हैं ऊपर की 3 लाइन्स में, लेकिन हमको जो एफ बनाना है वो 4 लाइन्स में बनाना है, कुछ कुछ ये बी से सिमिलर है। 3 लाइन पर रखा पेंसिल को, ऊपर रेड लाइन में टेढ़ा, घुमा के बिल्कुल सीधा नीचे रेड लाइन तक। अब हमें ये 3 लाइन पर नहीं रोकना, रेड लाइन पर रोकना है और इसको फिर जहाँ यहाँ तक ये घुमाया है ना जहाँ तक, इसी लाइन तक टच करके और इसकी पूछ को 2 लाइन में ले जाएंगे। फिर से देखिए एफ को 3 लाइन पर रखा पेंसिल को, ऊपर रेड लाइन में टेढ़ा, घुमा के बिल्कुल सीधा नीचे रेड लाइन में 4 लाइन तक और इसको यहाँ से इसी 4 लाइन से यहाँ से घुमा के लाए हैं और जहाँ तक ये कट हो रहा है ये यहीं से इसको पूछ निकालनी है ऐसे 2 लाइन तक। फिर से देखिए 3 लाइन पे रखा, ऊपर रेड लाइन में टेढ़ा, घुमा के बिल्कुल सीधा नीचे रेड लाइन में, फिर नीचे रेड लाइन से घुमाकर जहाँ से ये कट है ना क्रॉस हो रहा है यहीं से पूछ निकालनी है 2 लाइन तक। फिर से देखिए 3 लाइन में रखा, ऊपर रेड लाइन में टेढ़ा, घुमा के बिल्कुल सीधा नीचे रेड लाइन में और इसको 4 लाइन से घुमाकर ये जो ये कट हो रहा है ना यहाँ से यहीं से पूछ निकालकर इसको 2 लाइन में ले जाएंगे, ओके, ये बन गया एफ। फिर देखिए जी के डॉट लगे हुए हैं, जैसे हमने ए बनाया था कुछ वैसे ही है, 3 लाइन पे रखा पेंसिल को, 2 लाइन में लाए, इसी लाइन से गोल बना देना है जैसे हमने ए में बनाया था। अब उसमें तो पूछ निकाली थी लेकिन हमने इसमें पूछ नहीं निकालनी है, इसको बिल्कुल सीधा नीचे रेड लाइन में लाइए और ऐसे घुमा दीजिए, ये बन गया जी आपका। अब देखिए 3 लाइन में रखिए पेंसिल, फिर से इसको 2 लाइन में ले आए, इसी लाइन से गोल बनाया बीच की लाइन में और इसको फिर नीचे सीधा रेड लाइन में लाकर घुमाना है, बहुत सिंपल है। 3 लाइन में रखा पेंसिल को, 2 लाइन में लाए, इसी लाइन से गोल बनाकर बीच की लाइन में और फिर नीचे रेड लाइन तक सीधा लाए, इस तरह से जी बनाना है, बहुत ईजी है। जितनी अच्छी अगर आपकी एक ही प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप ए सी डी जी काफ़ी लेटर हैं जो ए से मैच करते हैं, ओके। अब देखिए ये आपको जी की लाइन 2 लाइंस करनी है और एफ की 2 लाइंस करनी है और इस तरह से ए टू ई ऊपर की लाइन में करना है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट ए टू जेड, ये कैपिटल लेटर हैं, मेरे साथ बोलिए आप और आपको लिखना भी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जितने भी कैपिटल लेटर हैं ये सब ऊपर की थ्री लाइंस में हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू है आपका, राइट ए टू जेड स्मॉल लेटर्स। मेरे साथ बोलना है और लिखना है, बीच की लाइन में ए, ऊपर की थ्री लाइंस में बी, बीच की लाइन में सी, ऊपर की थ्री लाइंस में डी, बीच की लाइन में ई, ऊपर की थ्री लाइंस में एफ, नीचे की थ्री लाइंस में जी, ऊपर की थ्री लाइंस में एच, बीच की लाइन में आई, नीचे की थ्री लाइंस में जे, ऊपर की थ्री लाइंस में के, ऊपर की थ्री लाइंस में एल, बीच की लाइन में एम, बीच की लाइन में एन, बीच की लाइन में ओ, नीचे की थ्री लाइंस में पी, नीचे की थ्री लाइंस में क्यू, बीच की लाइन में आर, बीच की लाइन में एस, ऊपर की थ्री लाइंस में टी, बीच की लाइन में यू, बीच की लाइन में वी, बीच की लाइन में डब्ल्यू, बीच की लाइन में एक्स, नीचे की थ्री लाइंस में वाई, बीच की लाइन में जेड। ये होमवर्क करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके।